हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। काफ़ी टाइम से मैं ऑनलाइन कुछ हेयर प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जो कि डल, डिहाइड्रेटेड, डैमेज्ड हेयर को ट्रीट कर सके, बिकॉज यू ऑल कैन सी माय हेयर कंडीशन इज़ नॉट एट ऑल दैट मच गुड। तो सर्च करते हुए ना मुझे एक आर्टिकल मिला जहाँ पर ये बताया गया है कि हाइलुरोनिक एसिड जैसे हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है, वैसा ही हमारे हेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है ये तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है और मुझे भी पता है, लेकिन वही सेम हाइलुरोनिक एसिड हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है और हम हाइलुरोनिक एसिड को हमारे बालों के नरिशमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, हाइलुरोनिक एसिड मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना और स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हाइलुरोनिक एसिड को मैंने किस तरह से अपने हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड किया है, उससे पहले लेट मी शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे सराउंडिंग से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है और हमारे बालों में वही मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने से आपके बाल हाइड्रेटेड रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। अब ये जो मॉइस्चर है वो हमारे बालों में ऐड करना इतना ज़रूरी कैसे हो गया? पॉल्यूशन और काफ़ी सारे हेयर स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करने की वजह से हमारे हेयर से वो नरिशमेंट, वो मॉइस्चराइजेशन चला जाता है जिससे कि हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई, डल हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही नहीं, आई एम श्योर कि आप लोग भी मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे हेयर फ्रिजी, ड्राई, डल हो रहे हैं। सो हाइलुरोनिक एसिड हमारे हेयर में जो मॉइस्चर है उसे रिटेन करने में मदद करता है, एट द सेम टाइम बालों में जो फ्रिजीनेस, जो ब्रिटलनेस है वो भी दूर हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एक इनोवेटिव हेयर केयर रेंज जो कि इस मैजिकल इंग्रेडिएंट के साथ आता है। सो मैं बात कर रही हूँ इस अमेजिंग हेयर केयर रेंज के बारे में। ये है लॉरियल पेरिस हाइलुरोन मॉइस्चर रेंज। सो गाइस, ये जो इंटायर रेंज है इसे जब आप एक साथ इस्तेमाल करोगे इन तीनों प्रोडक्ट्स को, तो आपको अमेजिंग और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस इंटायर रेंज में आपको मिलेगा मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू, मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर एंड हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू। ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है फॉर ड्राई, डल हेयर, क्योंकि ये रीप्लम्प करता है हमारे बालों को विथ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, मेकिंग इट सुपर सॉफ्ट, बाउंसी, लाइट वेट एंड हेल्दी। एंड इसका जो टेक्सचर है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये इजीली लैदर भी कर जाता है और हेयर को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन करता है, इंक्लूडिंग आवर स्कैल्प। इसे आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए थोड़ी देर के लिए अपनी ऑल ओवर हेयर एंड स्कैल्प पर, एंड देन वॉश ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ लॉरियल पेरिस हाइलुरोन मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर जो कि हेल्प करता है हेयर को डीटैंगल करने में। इट लॉक्स इन द मॉइस्चर, मेकिंग योर हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी वाइल अवॉइडिंग एनी ब्रेकेजेस। इस कंडीशनर का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी थिक कंडीशनर है एंड इट्स वेरी क्रीमी। ये ना मॉइस्चर को एकदम सील कर देता है, लॉक कर देता है एंड हेयर को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। लास्टली एट नाइट आई यूज दिस लॉरियल पेरिस हाइलुरोन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है एंड इट प्रोवाइड्स 4 times मोर हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस टू आवर हेयर। इसे आपको जस्ट अपने हेयर लेंथ्स पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, लीव इट ओवरनाइट। और ये जो हेयर क्रीम है ये ओवरनाइट आपके हेयर को रिपेयर करता है। यू डोंट नीड टू रिंस दिस ऑफ, ये आप एज अ हेयर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल वेक अप विथ सॉफ्ट, हेल्दी, बाउंसी हेयर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना सील कर देता है हमारी क्यूटिकल्स को ओवरनाइट एंड डज नॉट वे आवर हेयर डाउन। यू कैन यूज दिस क्रीम एवरी सिंगल नाइट। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर रेंज इज दैट इट प्रोवाइड्स अप टू 72 hours ऑफ मॉइस्चर लॉक्ड इन योर हेयर, विच मीन्स दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हेयर हाइड्रेशन एवरी डे एंड कैन फेज आउट योर हेयर वॉश डेज। ये जो रेंज है ये आपके बालों को अप टू 72 hours तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है एंड आई वुड हाईली रेकमेंड दिस एंटायर रेंज टू एवरीवन फ्रॉम लॉरियल पेरिस। हाइलुरोनिक एसिड इंग्रेडिएंट ने तो मेरे बालों पर कमाल ही कर दिया है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हाइलुरोनिक एसिड हम अपने हेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी इतने अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वाओ, सुपर अमेजिंग। परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू लॉरियल पेरिस फॉर कमिंग अप विद दिस इनोवेटिव हेयर केयर रेंज। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।